बोलूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, की बारी है, बोलो सच्चे दरबार की। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता रानी की। और फ्रेंड्स, आज हम एचजी ग्रीन सिटी में जहां पर हो रहा है गरबी का बहुत ही शानदार प्रोग्राम, तो आप बने रहे इस कॉलोनी में। जब और मजा आता है जब सभी मिलकर एक साथ रहकर कोई भी कार्य करते हैं, तो इसका श्रेय जाता है जो हमारे कॉलोनी में सीनियर्स लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। उन्होंने जो प्यार और मोहब्बत एक दूसरे को बांट के एक साथ रखा है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है और आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। नहीं नहीं, महिलाओं का श्रेय बहुत ज्यादा जाता है, महिला शक्ति है और महिला माता के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, उसी रूप को मानते हैं। और जैसा मैंने बताया, मेरे साथी बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनियों में हैं ग्वालियर की, लेकिन यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एचजी ग्रुप से अच्छा कार्यक्रम अभी तक कहीं नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी आप ताली बजा सकते हैं। और इस परिवार को हम धन्यवाद देते हैं, एचजी ग्रुप को, कि उसने एक अच्छा माहौल बनाया, अच्छे लोग यहाँ पर हैं। और इसकी साफ सफाई, जैसा हम एक परिवार की साफ सफाई अपने पूरे घर की साफ सफाई रखते हैं, ऐसे ही कॉलोनी में साफ रहे, सब अच्छे रहे, खुश रहे, मस्त रहे। श्रिया सामल बहुत अच्छा सा प्यारा सा नृत्य लेकर माता रानी के चरणों में। स्नेहा चौधरी, ये प्यारी सी बच्ची आपके बीच में है। ये सारे बच्चे बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि माता रानी को अपनी अपनी तरह से पुष्प अर्पित करें। ये प्यारी बच्ची आपके बीच में बेटा। दीदी आ जाओ। बड़ी रे नीलो नागर बिल नो छोड़ पर भू
तो लेडीज फर्स्ट। हाँ आशीष भैया कहाँ बैठे हैं, आवाज आ जानी चाहिए यहाँ तक। तो माता रानी की जो शेरनी बैठी है पहले इनकी सुन लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे माइक किसके हाथ में गए? ये तो बिल्ली है माता रानी की, शेरनी कहाँ है? फिर बोलो सच्चे दरबार की। वाओ, अभी माता रानी का शेर तो वैसे डर गए क्योंकि संख्या में बहुत कम है, पर कोई बात नहीं, जंगल में एक ही राजा होता है और यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे हैं। शेरों की बारी है, बोलो सच्चे दरबार की। देखो शेर ही जीते, मैं शेर पक्ष नहीं करूँ तो मैं। खैर ये जो आवाज है आज मुझे ऐसा लग रहा है खुरेली तक पहुँच गई होगी, कल बड़े गाँव जाएगी और परसों मुरार पहुँच जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप में आवाज देता हूँ नम्रता चौधरी, जोधा तालियां प्यारी बच्ची के लिए अपनी। आज माता चंद्रघंटा के चरणों में पुष्प अर्पित करने आ रही है प्यारी बच्ची। फ्रेंड्स आपने देखा कितना शानदार प्रोग्राम बच्चों के द्वारा यहाँ पे किया गया, और ये बात सच है कि शायद ग्वालियर में कहीं इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है।
और इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग कॉलोनी में सारी व्यवस्थाएं भी आपने देखी होंगी, बहुत ही जबरदस्त कॉलोनी बनाई गई है। और हाय करो बेबी, हाय करो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कॉपीराइट के कारण मैं आपके ओरिजिनल सॉन्ग नहीं डाल पाया, जिसके लिए मुझे माफ़ करना, और मुझे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लगाना पड़ा। फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस प्रोग्राम का, एक पार्ट और आना बाकी है। तब तक आप पहले पार्ट का आनंद लें। और इतना बढ़िया प्रोग्राम कॉलोनी में किया गया, नवदुर्गों में इतना शानदार प्रोग्राम मैंने तो कभी अभी तक नहीं देखा। इतना बढ़िया शानदार व्यवस्था की गई, आप लोगों के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके द्वारा किया जा रहा है, कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और ये आप लोगों की यादों को ताज़ा बनाए रखने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है केवल। नहीं तो ये मेरा चैनल है ट्रैवलिंग ब्लॉग का है। आप मेरा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ग्वालियर की साथ साथ और भी अन्य बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों को आपको एक्सप्लोर कर सकूं और आपको देखने में आनंद आए। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी सभी जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।